क्रियाकलाप दो, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचना। आवश्यक सामग्री: ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज, 4 ड्राइंग पिन, सेलो टेप, चुंबकीय सुई, कील आदि। विधि: पहला, मेज पर ड्राइंग बोर्ड रखिए। दूसरा, उस पर सफेद कागज 4 ड्राइंग पिन या सेलो टेप की मदद से लगाइए। तीसरा, देख लीजिए कि आसपास कोई भी चुंबकीय पदार्थ ना हो। चौथा, कागज के मध्य में लंबाई में एक रेखा खींचिए। इस रेखा पर चुंबकीय सुई रखिए। बोर्ड को इस प्रकार घुमाइए कि चुंबकीय सुई इस रेखा के सीध में आ जाए। अब उत्तर दक्षिण की दिशा में यह रेखा आ जाती है। इसके उत्तरी सिरे पर N तथा दक्षिणी सिरे पर S लिख दीजिए। इस स्थिति से बोर्ड हिलना नहीं चाहिए। पांचवा, कागज के मध्य में चुंबक को इस प्रकार रखिए कि चुंबक का ठीक मध्य भाग इस रेखा के सीध में हो, जैसा कि चित्र 3 अ में, तथा चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर चुंबक की स्थिति तय हो जाने पर पेंसिल से चुंबक की सीमा रेखा बना दीजिए। छठवा, चुंबक के उत्तरी ध्रुवों के समीप जहां से बल रेखा खींचनी प्रारंभ करनी है वहां पेंसिल से एक बिंदु बना लीजिए। चुंबकीय सुई को यहां इस प्रकार रखिए जिससे उसका दक्षिणी सिरा इस बिंदु के सीध में हो। पेंसिल से उसके चुंबकीय सुई सिरे के सीध में निशान बिंदु बना दीजिए। चुंबकीय सुई को उठाकर उसके दक्षिणी सिरे को नए बिंदु की सीध में रखिए। सुई के दूसरे सिरे के सीध में एक और बिंदु बनाइए। इस प्रकार चुंबक सुई को आगे बढ़ाते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुवों तक विभिन्न बिंदु प्राप्त कीजिए। सातवां, अब इन बिंदुओं से गुजरती हुई एक पतली वक्र रेखा खींचिए। आठवां, इस पर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर तीर का निशान बना लीजिए। यह एक बल रेखा हुई। नौवां, इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव के समीप दूसरे प्रारंभिक बिंदु से अन्य बल रेखाएं खींचिए। ये बल रेखाएं चित्र 3 अ की भांति प्राप्त होती हैं। प्रयोग में हम देखते हैं कि बिंदु P व बिंदु Q के चारों ओर से बल रेखाएं वक्रीय चतुर्भुज बनाती हैं। दसवां, इस चतुर्भुज के अंदर विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय सुई रखते हैं तथा उसके नजदीक लोहे की कील या ऑलपिन लाने पर सुई उसकी ओर आकर्षित होती है तथा उसको घुमाने पर सुई भी उसी दिशा में घूमती है। कील हटाने पर यदि सुई उसी स्थिति में रहे तो यह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाएगा। उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और इस कारण पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब किसी चुंबक को किसी स्थान पर रखते हैं तो उसके आसपास के स्थानों पर दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करते हैं। पहला चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र व दूसरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा दोनों क्षेत्रों के परिणामी बल के कारण होती है। इस क्षेत्र में एक ऐसा बिंदु जिस पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समान व विपरीत हो वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाएगा, जैसा कि चित्र 3 अ में बिंदु P व Q है।